हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हूं शैव्या, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, यही हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and be a part of this beautiful family. Also don't forget to hit the notification bell. और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। एंड अगर आप लोग मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, या ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए आने वाला नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके एनर्जीज में पिक कर पाऊं और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊं। मेष राशि, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज लग रही हैं कि आप शायद अपने पास्ट को लेकर स्टक महसूस कर सकते हैं, पास्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। ओके मेष राशि, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके जजमेंट, ब्यूटिफुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके 10 10 10 एंजल नंबर यहाँ पर बन गया है। और मूवमेंट आ रही है आप लोगों की लाइफ में आने वाले वीक में, ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से। बट एक यही वार्निंग मुझे लग रही है कि स्टक मत महसूस कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप लोग स्टक हो जाएँ, बट उसके बाद आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, मूवमेंट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, गुड लक आ रहा है। ओके डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके तो यहाँ पर आपके करियर में भी, आपकी लव लाइफ में भी हर तरह से यहाँ पर मैं ग्रोथ देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में, और यहाँ पर तरक्की आपके सामने आ रही है। और जो भी आप काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, एक चैप्टर का कम्प्लीशन होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ कम्प्लीट हो रहा है यहाँ पर, कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल सी एंडिंग मैं देख पा रही हूँ, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। कुछ लोग अगर अपने वीज़ा पीआर वगैरह का अप्रूवल का वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाली वीक में, और साथ में मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने रिजल्ट के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, अपने कोई आपने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, तो उसके रिज़ल्ट का आप लोगों का पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। गुड लक भर भर के आपके साथ है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं आने वाले वीक में, तो डेफिनेटली आप लोगों को लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, पैशन और इंस्पिरेशन के साथ काम करते हुए मैं देख रही हूँ आप लोगों को। साथ में मुझे लगता है ना कि आप लोगों की प्लानिंग स्किल्स, प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप लोग अपने लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हैं, डिसिप्लिन बनाने वाले हैं, कोई शेड्यूल, कोई रूटीन इस तरह से बनाते हुए मैं देख रही हूँ आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल की प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग करते हुए भी मैं आप लोगों को देख रही हूँ। बहुत 10 10 एंजल नंबर की यहाँ पर एनर्जी है। कंप्लीशन, इट इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, आपके लिए कोई पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पर, और गुड लक आपके साथ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। तो यस, बहुत बड़ा पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, और मैं यहाँ पर फुल मून की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो फुल मून के बाद आपके लिए या फुल मून के दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, तो फुल मून वाले दिन अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फुल मून वैसे 1st of August को पड़ रहा है, ठीक है, तो उस दिन अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में मुझे लग रहा है कि इम्पेशेंस आप थोड़ा सा आपके अंदर रह सकता है, इम्पेशेंस वाली एनर्जी आपको लगेगा, जल्दी जल्दी मैं ये सभी काम कर लूँ, एक से ज़्यादा काम मल्टीटास्किंग करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करने का आपका मन करेगा। और यस, अगर आपको अगर आप स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, स्पीड से संभल के थोड़ा सा धीरे धीरे ही आगे बढ़िए। बट यस, आने वाली वीक में बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में चीज़ें घटित होने वाली है। पिछले कुछ समय से अगर आपको स्टक महसूस हो रहा था तो वो उस एनर्जी से भी आप लोग बाहर निकलने वाले हैं।
करियर वाइज मैं आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ आपके जीवन में। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी और आप कुछ कह पाएंगे। अगर आप आपकी एक्सप्रेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं और लोग आपकी बात को सुन के ना बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करने वाले हैं कि आपके वर्ड्स इतने ब्यूटिफुल हैं। बट येस, यहाँ पर एक वार्निंग भी आ रही है कि अपने शब्दों का सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना है। अपने शब्दों को 10 बार सोच के उसके बाद ही आपको किसी को कुछ बोलना है। जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप किसी को हर्ट कर दें। और साथ में मुझे लगता है कि आप लोग एक अलग नज़रिए से जीवन को देखने वाले हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मान सम्मान ज़रूर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपको फ्लर्ट कर सकते हैं, आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। कोई रोमांटिक ऑफ़र आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। ये अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट से भी ये प्रपोजल्स हो सकते हैं, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर और आपके बीच में संबंध जो है, रिश्ते हैं, वो बहुत ही नज़दीकी बढ़ सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। सिंगल लोग यहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र्स को और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। किसी डेट पर आप लोग जा सकते हैं और यस, फन एनर्जी में आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और आपके जो बॉडी है, जो आपका ऑरा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत आकर्षण से भरे हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों की लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांस आ रहा है एक दूसरे के साथ। बहुत सपोर्टिव एनर्जी आ रही है, बहुत रोमांटिक एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं और यस, बहुत अच्छा रोमांटिक बिहेवियर उनकी तरफ से आपको देखने के लिए मिल सकता है। और साथ में मुझे लगता है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ ही ज़्यादा झुकाव उनका नज़र आ रहा है मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। या कार्मिक सिचुएशंस तो बहुत ही कम मुझे नज़र आ रहे हैं और आप लोग किसी कार्मिक सिचुएशन को लेट गो करते हुए भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। बट आपके पार्टनर का, आप भले ही किसी भी सिचुएशन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर का झुकाव, लोगों का झुकाव आपकी तरफ रहने वाला है। प्रायोरिटी आप लोगों की बनने वाले हैं आने वाले वीक में। और साथ में कुछ लोगों की यहाँ पर शादी भी पक्की होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और अगर आपके फैमिलीज़ नहीं मान रही थी आपकी शादी के लिए, तो वो भी यहाँ पर मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिलीज़ मान सकती हैं आपकी शादी के लिए। एंड साथ में यहाँ पर आपकी हेल्थ वाइज देखिए तो आपकी हेल्थ अच्छी ही रहने वाली है। बट आपसे कहा जा रहा है कि एग्रेसिव बिहेवियर को अवॉइड कीजिएगा, ज़्यादा गुस्सा आने के चांसेस हो सकते हैं। तो गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा अपना, ठीक है। बाकी आप फिज़िकल एक्सरसाइजेज वगैरह भी करते रहिए। अगर आप पैसिव एनर्जी में रहते हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी में एक्टिवनेस लेने के आने के लिए आपसे कहा जा रहा है। डांसिंग, एरोबिक्स वगैरह ये सब आपको करना चाहिए आने वाले वीक में। और देखते हैं गाइडेंस क्या आ रही है मेष राशि के लिए। गो डीपर, हर चीज़ की थिंकिंग ना, आपको डीपली थिंक करना है हर चीज़ को, ठीक है। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से डीप एनर्जी में, गहराइयों में जाके आपको सोच विचार करना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा, ओके। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे भी काम कीजिए, अपनी फीलिंग्स पे भी काम कीजिए। आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, अपने फीलिंग्स पे काम कीजिए, ठीक है। आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वार्टर मून एंड एरीज, यहाँ पर एरीज का ही कार्ड आ गया है और हम एरीज की ही रीडिंग कर रहे हैं, ओके। सो फोकस नहीं हो रहा है, ओके। नो यू आर लव्ड, ओके। सब बहुत सारे लोग यहाँ पर, लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी लविंग एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। सक्सेस, यस, सक्सेस आ रही है गाइज आप लोगों के लाइफ में आने वाले वीक में। सक्सेसफुल आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं हर एक फील्ड में। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की बात को सुनिए। यस, हेल्थ वाइज तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है, बट आपके एंजल्स भी आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन की बातों को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो एंजल्स की, आपके ईश्वर की ही आवाज़ है। सो यस गाइज, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।